डियर स्टूडेंट हु एक्चुअली आर इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स प्रोबेबली फॉर बिकम फाइनल ईयर दिस इज द लास्ट वीडियो बट एज फार एज कंसर्न द एम काम देयर मे बी अनदर वीडियो बिकॉज द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनल ईयर्स आर टू बी स्टार्ट फ्रॉम 29th ऑफ जून हैंस अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एंड द नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर बिकॉज इन आई In my earlier video, I have already explained. Now the question paper will not only consist the multiple choice question, but there may be a fill in the blank and true and false answer. ऐसे छात्र जो indirect tax को फिर से पढ़ने के इच्छुक हैं, उनके लिए खास करके यदि become final year की बात करूँ तो यह आखिरी video हो सकता है क्योंकि 29 तारीख से आपकी परीक्षा होने जा रही है. लेकिन MCOM वालों के लिए और भी videos आएंगे. जहाँ तक अब जो ऑनलाइन एग्ज़ाम आपकी हो रही है तो मैं इसीलिए ये वीडियो खास करके बनाया है. इसके पहले के भी वीडियो में एक्सप्लेन किया था जो नेचर आप क्वेश्चन पेपर वो थोड़ा सा डिफर होते जा रहा है. पुराना आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो कि भी एक क्वेश्चन के चार ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से एक सही है एंड आगे बढ़ने का. लेकिन अब आपको पूरे क्वेश्चन वैसे नहीं आएंगे. अब आपको कुछ क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक रिक्त स्थान के भी दिखेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको ट्रू एंड फॉल्स के भी दिखेंगे. हालांकि वो कोई टिपिकल या अननेसेसरी आपको परेशान करने का पर्पस यूनिवर्सिटी का नहीं है बट यू हैव टू मोर फेमिलियर. अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम सभी जगह मेरे बंच आ चुके हैं. चार यूनिट के चार अलग अलग बंच साइमल्टेनियसली एक के बाद एक धीरे धीरे मैंने ग्रेजुअली आपको भेजा था और हर बंच के साथ थोड़ा आगे पीछे आई हैव ऑलरेडी सेंड द वीडियो लेक्चर्स आल्सो. सो पर्टिकुलरली द स्टूडेंट्स हु हैव अ सफिशिएंट बंच ऑफ दिस एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर एंड इफ ही और शी आल्सो वॉच माय वीडियो सो आई थिंक देयर विल बी अ नो प्रॉब्लम. लेकिन अब आप में से कुछ स्टूडेंट वीडियो लेक्चर ही नहीं देखते तो हो सकता है उनको कुछ प्रॉब्लम आएगा. तो प्यारे विद्यार्थी ये तो आपका प्रॉब्लम है मेरा नहीं है क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग के कुछ प्लस माइनस एस्पेक्ट जरूर है और उसी लिए मैंने ये कहा था कि मैं सबसे पहले क्वेश्चन का सेट प्रॉबेबल आंसर के साथ भेज रहा हूँ और इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा. तो मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई इसमें यदि ये क्वेश्चन का आंसर ऐसा आया है तो क्यों आया, व्हाट इज द रूल, और उसकी के एग्जाम्पल आपको फिर से यहाँ दिखाई दे रहे हैं. यूनिट 4 का जो क्वेश्चन नंबर 25 है मेरे बंच का, वो 25 नंबर मतलब यहाँ मैंने वन उसको कोट किया है. वो क्वेश्चंस आपके पास में आप देख लीजिए, न भी देखें तो वीडियो में कुछ कोशिश करके देखिए कि द क्वेश्चन सेज द असेसेबल वैल्यू 2468 डॉलर एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू 65.78 बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% so fill in the blank will be custom duty. Now in this fill in the blank there will be answer. यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4 ऐसे options दिए रहेंगे. No doubt blind fill in the blank का एक भी questions नहीं है. There will be no single questions will appear on your screen in the university examination where the question is related with fill in the blank and sir there is a no option. Option is always there. Multiple choice question, it is a type of multiple choice questions. So here 4 option is there. But my question is that whatever it may be, suppose there is a no option. So you must calculate. How it will be calculated? This is the assessable value in foreign currency. This is the exchange rate. तो फर्स्ट कैलकुलेटर का आपको यूज करना है और कैलकुलेटर का यूज करके आपको पहले 2468 फॉरेन करेंसी मल्टीप्लाइड बाय 2468 इनटू 65.78 टेक्निकली मुझे ऐसा लगता है ये आना चाहिए
Now, what is this? Actually, this accessible value multiplied by exchange rate, because the accessible value was available in foreign currency. Now, we have converted into Indian rupees. Converted Indian rupees karne ka the simple way, foreign currency multiplied by exchange rate. So, we got the accessible value in Indian rupees. Now, question says BCD, basic custom duty is 10%. Now, which 10%? 10% of accessible value. So, 10% of accessible value means this 16,235. And you look the questions and answer. There is an option C, 16,235. Therefore, you have to put tick or selection, whatever it may be, the instruction will be in the examination. Okay, this is the nature of fill in the blank questions. Next, this is the, as far as concern, this 126 number, cost of goods 5000 yuan. This is the foreign currency symbol. You don't bother. Sir, symbol aa gaya tha, to hum chakra gaye. Aapko kuch nahi karne ka. Symbol hai to symbol ka answer hai. Sirf khyal itna rakhna hai ki if suppose the question ask you to convert in Indian rupees, that time exchange rate will be available. Without exchange rate, convert hota nahi hai, to aapko chinta karna nahi hai. Jaise yahan par foreign currency hai, ये एक्सचेंज रेट है, इसका मतलब यहाँ पर आपको इस असेसेबल वैल्यू को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना, कुछ भी तो नहीं करना है, एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर देने का, सेम यहाँ पर। अब यहाँ क्या बोल रहा है, 5000 युआन, सर रुपीज में नहीं था, आपको क्या करना है, रुपीज रहा मतलब 5000, लोडिंग चार्जेस 50, कितने हो गए, बीकॉम की स्टूडेंट है, 5050, ट्रांजिट फ्रेट 1000, तो 6050, इंश्योरेंस 50, तो 6100, ये तो ओरल हो गया। हाँ सर सब ठीक है, बट फिल इन द ब्लैंक विल बी सी आई एफ, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वो बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स इज सो मच, लोडिंग चार्जेस सो मच, ट्रांजिट फ्रेट इज 1000, इंश्योरेंस 50 युआन, तो व्हाट विल बी सी आई एफ, सी आई एफ मींस व्हाट, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट वैल्यू, कुछ भी तो नहीं है, इसकी आपको टोटल करनी है, यू गॉट द वैल्यू 6100 युआन। नाउ हियर इज द कन्वर्सन इज नॉट द प्रॉब्लम, बिकॉज आपको क्वेश्चन में सीआईएफ पूछा है, सीआईएफ इंडियन रुपीज में पूछा है क्या, नहीं, एक्सचेंज रेट दिया है क्या, नहीं, व्हेन एवर द एक्सचेंज रेट इज एब्सेंट, दुनिया का कोई भी आदमी इंडियन रुपीज में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो आप कहां से करोगे, एक्सचेंज रेट दिया है, और एक्सचेंज रेट दिया है इसका मतलब कन्वर्ट करना ही है, ये भी जरूरी नहीं है, बिकॉज द क्वेश्चन इज ब्लाइंड, सीआईएफ मे बी कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपीज और इट मे बी रिफ्लेक्टेड एज ए फॉरेन करेंसी आल्सो। एक चीज याद रखना, ये सीआईएफ ही आज के जमाने में असेसेबल वैल्यू भी है, और आपकी इस बंच में मैंने एक जगह क्वेश्चन दिया हूँ, ट्रू एंड फॉल्स के लिए आएगा, अभी से आपको बता दे रहा हूँ, CIF is also called assessable value, true, false, no option, option का आया हुआ, CIF is assessable value, yes, CIF is also called assessable value, therefore answer will be true, so I think here the answer will be 6100 yuan, and no doubt I repeatedly ask you, even in the blank there will be a poor option. Calculator is usable device. Next, accessible value 5000 in foreign currency. Look here, exchange rate 68. Accessible value in Indian rupees will be 3,40,000. अब आपको बोल रहा है ये सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स है। अब ट्रू है कि फॉल्स मींस तो यहाँ असेसेबल वैल्यू फॉरेन करेंसी में दी हुई है, 1 रुपीज का एक्सचेंज रेट 68 दिया हुआ, करना क्या है 5000 इंटू 68, सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ असेसेबल वैल्यू इन इंडियन रुपीज, एंड इफ यू मल्टीप्लाई 5000 टू 68 यू गॉट द वैल्यू 5840 4 5 6 34 34, द आंसर इज करेक्ट, हेंस द आंसर विल बी ट्रू। नेक्स्ट,
ओके असेसेबल वैल्यू फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट सो वन व्हाट सेंटेंस सेज असेसेबल वैल्यू इन इंडियन रुपीस विल बी 340 एंड क्वेश्चन आस्क यू वेदर दिस इज करेक्ट और रॉन्ग ट्रू और फॉल्स सो वी cannot say blindly true or false. First we will calculate what is the criteria. So simple, assessable value in foreign currency multiplied by conversion rate in Indian rupees. You got the value. If 340 answer आ रहा है तो true लिखो, नहीं तो false लिखो. Next, assessable value rupees 60 lakhs. Lending value 69,55,200. यू जस्ट माइनूटली ऑब्जर्व समटाइम जल्दी जल्दी में लेंडिंग वैल्यू को लोडिंग वैल्यू पढ़ लिया जाता आप जरा चश्मा वश्मा आके बरोबर रखना दिस इज नॉट द लोडिंग वैल्यू लेंडिंग वैल्यू है अब सर हमको इसका डिटेल बड़ा सिंपल है असेसेबल वैल्यू प्लस कस्टम ड्यूटी प्लस IGST अब टेक्निकली ये जो IGST वगैरह इसको अब इसमें प्लस एजुकेशन सेल्स भी है बट ये टोटल तीनों मिलकर के नट सेल कहलाती है कस्टम ड्यूटी दो हियर इज द कस्टम ड्यूटी 4% एजुकेशन सेल्स एंड द IGST एज पर रिक्वायरमेंट बट टोटली द मीनिंग ऑफ लैंडिंग वैल्यू और असेसेबल वैल्यू सो इन द असेसेबल वैल्यू टोटल कस्टम ड्यूटी वी एड एंड फाइनली द वैल्यू इज कॉल्ड लैंडिंग लैंडिंग वैल्यू के बाद में असेस कस्टम ड्यूटी में और कोई वैल्यू निकलती नहीं सो फॉर एज फार एज कंसर्न टू यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन यू जस्ट थिंक ओनली टू थिंग असेसेबल वैल्यू प्लस कस्टम ड्यूटी इज इक्वल टू लैंडिंग वैल्यू माइनस असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू कस्टम ड्यूटी और बिकॉज ट्रू एंड फॉल्स है आंसर इज अवेलेबल अब यहाँ तो बेटा सीधा सीधा दिख रहा है 60,69,55,200 वेर फेमिलियर डाटा दिख रहा है दोनों का आगे अरे यार 9,55,200 ओके हाँ दिस इज द वे बाय विच यू हैव टू अटेम्प्ट यूर सेल प्रूव यूर सेल इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एंड आई थिंक यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम अब और आगे यदि बढ़ते हैं तो देखिए इसमें 29 नंबर जो विच इज नॉट ऑन द व्हाइट बोर्ड कॉस्ट ऑफ मशीन इंपोर्टेड 80,000 पाउंड्स करके दिया फॉरेन करेंसी है ट्रांसिट फ्रेट 4,800 फॉरेन करेंसी क्वेश्चन आस्क व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ट्रांसिट इंश्योरेंस या ट्रांसिट इंश्योरेंस पूछा है उसने अब नाउ द ट्रांसिट इंश्योरेंस जब उसने पूछा है तो ऑप्शन भी दिए और आपको वहां पर 900 इज द आंसर तो सर ये निकला कैसे निकला सीधा कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड नो अदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल देयरफॉर इट इज टेक्निकली FO नाउ इन माई अर्लियर वीडियो आई हैव वेरी वेल एक्सप्लेन इफ द अमाउंट ऑफ ट्रांसिट फेयर freight in transit insurance available we have to utilize the amount if the amount is not given in the numerical problem then we have to calculate so ab calculate kaise karna hai to ye cost of goods sold is equal to FOB hai iska 1.125% nikalo karo aap mehnat karo 80,000 multiplied by 1.125% will be transit insurance if you know the rules you will not face any problem I think so 900 look here 900 is the answer and answer is available look here next and last basic custom duty 4,80,000 वॉट विल बी एजुकेशन इन हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस देखिए बिल्कुल छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स है और आपको वो कभी कभी परेशानी में डालेंगे लेकिन आपको रूल याद रहने को ना अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेसिक कस्टम ड्यूटी 4,80,000 दे दिया एजुकेशन सेस कितना है सर कैसे निकाल कुछ भी नहीं करना 4,80,000 के 4% निकालो चलो उत्तर तो आपको करना पड़ेगा
480,000 into 4%, you got the value 19,200. This is the type of question and answer. 1 minute. This is again unit 4. Now, true and false कैसे होगा? ये देखिए मैं आपको बताता हूँ बहुत जल्दी जल्दी में. यहाँ पर तो लिखा what is FOB value? What is FOB value? अब मैं इसको बोलता हूँ FOB value is also called free on board value. True, false, true. Next, CIF value is called also cost, insurance and freight value. True, false, true. BCD is also called board cost duty. Board cost duty. You don't see the question. क्वेश्चन तो देखो उसके आंसर पे मत जाइए आप. देखिए आंसर जा भी रहे हैं तो आपको आंसर दिख रहा है. बी सी डी का आंसर क्या है? बेसिक कस्टम ड्यूटी. देखिए मैंने क्वेश्चन को कैसे बदल के बोला. बी सी डी इज आल्सो कॉल्ड ब्रॉड कॉस्ट ड्यूटी. नाउ द आंसर इज फॉल्स. सो यू जस्ट ऑब्जर्व. और आपको ऐसी हिंट्स तो कोई देता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता ट्रू एंड फॉल्स में मैक्सिमम ट्रू रहते हैं क्योंकि जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स रहता है उसको सॉल्व करने में दिक्कत जाती है. तो बने जहाँ तक वो बच्चों की सहूलियत की, लेकिन इसका मतलब फाल्स नहीं रहते, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बोला है. इसलिए नहीं तो जितने सर आपने बोल दिए थे ट्रू, हमने ट्रू 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 किया और सारे फाल्स वाले रहेंगे तो पूरे नंबर आपके चले जाएंगे. देयरफॉर आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू कि अगेन टाइम है आपका, वो जो इनडायरेक्ट टैक्स के पहले एक पेपर हो जाएगा, फिर भी आपके पास में पूरा दिन मिलता है. यू गो थ्रू दिस 4 यूनिट बंच, 30 क्वेश्चंस ऑफ ईच यूनिट, टोटल 120 क्वेश्चन. यू मस्ट अटेम्प्ट, यू वॉच, यू रीड, यू कीप इन योर माइंड एंड देन गो फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन. बेस्ट लक टू यू. थैंक यू.